सब्सक्राइब करें शहर कटिंग एंड स्टिचिंग को और क्लिक करें बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 इंच की मोहरी ले ली, दोनों साइडों में एक एक लहर बना लेनी। अब आपको नीचे की लहर से ऊपर की ओर 1.5 इंच पर मार्किंग करते जाना, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन निशानों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना, ये देखिए हल्का हल्का चौक चलाते हुए। अब आपको 2-2 इंच पर मार्किंग करते जाना है दोनों साइडों में, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब आपको एक निशान को दूसरे निशान की ओर मिला देना है। इसी तरीके से मिलाते हुए इन सभी निशानों पर सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी तरीके से लग जाती है हमारी सिलाई। तो देखिए लग चुकी है सिलाई। अब आपको ऊपर की साइड जहाँ पर हमने 1.5 इंच छोड़ा था वहाँ पर इस तरीके से 3 पत्तियाँ बना लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा फिलोवर। तो चलिए सबसे पहले फिलोवर को ही कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपको मेरा ये मोहरी डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से बनकर ये डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये प्यारा सा मोहरी डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है हमारा फ्लोवर। तो चलते हैं सेकंड फ्लोवर की तरफ, उसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा सभी फ्लोवर बनकर कंप्लीट। अब आपको जो नीचे की साइड में खाली जगह है यहाँ पर इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी होगी स्ट्रेट, और ऊपर साइड में इस तरीके से गोलाई देते हुए इन गोलाइयों पर लहर लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेट सिलाइयों को ही लगा लेते हैं। एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीके से लग जाती हैं ये सिलाइयाँ भी। तो सभी खाली जगहों के अंदर इसी तरीके से मैं लगा लूँ। कंप्लीट हो चुकी हैं सभी सिलाइयाँ, तो चलते हैं बाकी सिलाइयों के पास। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लगेंगी सभी सिलाइयाँ। अब आपको जहाँ पर हमने गोलाई दी थी यहाँ पर लहर लगा लेनी है, एक प्यारी सी लहर, बहुत सफाई से लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब जहाँ पर मैंने 3 पत्तियों के निशान लगाए थे यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से 3 पत्तियाँ लगा लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 3 सिलाइयाँ, ये भी बहुत ईजी तरीके से लग कर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए सभी इन्हीं खाली जगहों पर इसी तरीके से बना लूँगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने नीचे की साइड में लहर बनाई थी इसी तरीके से ऊपर की साइड में लगा लेंगे, क्योंकि इन लहरों से हमारी मोहरी जो है बहुत ही खूबसूरत दिखती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए निशान लगाकर मैं सभी लहरों पर, तो फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी मोहरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये प्यारा सा मोहरी डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे लाइक करना।